हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय महाकाल। आज सुनेंगे भगवान शिव की कृपा से जुड़ी एक कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार उस बूढ़ी औरत ने सोचा अपने पुत्र का विवाह कर दूँ, और उसने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। उसके घर में जो कन्या बहू बनकर आई वह बहुत ही संस्कारी और सुंदर थी। वह रोज जल्दी उठकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती और कहानी कहती। वह घर का सारा काम बहुत मन लगाकर करती थी। उसके विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। उसने सोचा क्यों ना मंदिर जाके शिवलिंग की पाठ पूजा करे और कहानी कहे। उसके मन में आए विचार को उस बहू ने अपनी सास से जाकर कहा। उसने कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, क्यों ना मैं मंदिर जाके भगवान की पूजा करूँ और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँ। लेकिन उसकी सास ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा कर लिया करो, मंदिर जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर वह बहुत कुछ कह ना सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन बहू जब कुएं पर जल भरने जा रही थी तो उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन लड़कियों को रोका और पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर उसके मुंह पर फिर उदासी छा गई। ऐसा देखकर लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई हो? क्या आपको भगवान शिव की पूजा करना नहीं आता? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए जाने नहीं देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता ना करें, आप रोज इसी समय पानी भरने के लिए आया करें, और जब आप पानी भरने आएंगी तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करो। बहू ने कहा, मेरे पास इतना समय पूजा नहीं है कि मैं पूजा सामग्री लाऊं और पूजा कर सकूं, और अगर मैं उसे घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और वह हर रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। वहां जाकर वो शिवलिंग को जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करती और आरती कहती। ऐसा करते हुए सावन का पूरा महीना बीत गया और आखिरी दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज़ उन लड़कियों की पूजन सामग्री से ही पूजा की है, क्यों ना आज कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित कर दूं। और ऐसा सोचकर उसने अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा समाप्त करके वो अपने घर आ गई। अब वो अपनी सास से नजरें छुपाती हुई इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि नाक के नथ के बारे में सास जरूर पूछेंगी। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक पे नथनी ना देकर उसने पूछा, तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं नहीं जानती, शायद वह कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, बताओ मुझे आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम वहीं पर जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। जब मैं सुबह कुएं पर जल भरने गई उस समय तो मेरी नाक पर नथ थी, लेकिन उपले थापते हुए न जाने मेरी नथ कहाँ चली गई। सास ने कहा, हम वहीं जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहाँ पहुँच गई जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो हम दोनों उपले तोड़कर देखते हैं। जैसे ही उन दोनों ने उपले तोड़े, उन दोनों उपले में से उसकी सोने की नथ निकल आई। सास ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, नथ तो एक थी, यह दो कैसे हो गई? फिर उन दोनों ने कुछ और उपले तोड़े और फिर उनमें से भी सोने की नथ निकल आई। ऐसा करते करते हर उपले में से सोने की नथ निकल आई। यह देखकर सास घबरा गई और उसने बहू से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? बहू ने कहा, माँ जी, यह भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू ने कहा, मेरी एक नथ के बदले भगवान शिव ने आज मुझे कितनी सारी नथें दे दी हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सास बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अगर सावन में स्नान दान और तप करने का इतना ही फल मिलता है तो अगले वर्ष से हम दोनों साथ में भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। और अगले वर्ष से सावन आते ही दोनों सास बहू पूरे नियम के साथ भगवान शिव की पूजा और कहानी
कहने लगी। उन दोनों पर भगवान शिव की बहुत कृपा हुई और उनके घर में धन के भंडार भर गए और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान भोलेनाथ पर उन पर कृपा करी, ऐसी कृपा भोलेनाथ सब पर करें। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।